क्या 29 अप्रैल को इस पूरी की पूरी पृथ्वी का अंत होने वाला है? तो फिर जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। माना जा रहा है कि 29 अप्रैल को इस पूरी की पूरी पृथ्वी का अंत होने वाला है। तो हम जानते हैं इस पूरी की पूरी घटना को कि इधर होने क्या वाला है, इसकी पूरी की पूरी सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाते हैं। तो फिर माना जा रहा है कि ये एक काफ़ी बड़ी घटना है जो हर 100 साल के अंदर एक ना एक बार होती ही होती है, और कभी कभी 100 साल के अंदर ये कई बारी भी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर कई सारे उल्का घूमते रहते हैं, यानी कि कई सारे छोटे तारे घूमते रहते हैं। इन छोटे तारों का काम ब्रह्मांड के अंदर छोटे से बड़े तारों का चक्कर काटना होता है। अपने से छोटे तारे अपने से बड़े तारों के चक्कर काटते हैं, वैसे ही पृथ्वी के भी कई सारे आसपास ऐसे ही उल्का चक्कर काटते रहते हैं, और कई उल्का अपने तारे से अलग होके काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से इधर उधर हो जाते हैं। वैसे ही एक उल्का हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि ये उल्का हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और इसके कारण हमारी पृथ्वी का अंत हो सकता है। तो माना जा रहा है कि ये पूरी की पूरी घटना 29 अप्रैल को होने वाली है। तो जानते हैं कि ये सच्चाई है या फिर ये पूरा का पूरा एक झूठ है। तो अगर बात करें वैज्ञानिकों की, तो फिर उनका यह मानना है कि ये उल्का हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, यानी कि ये छोटा तारा हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है, क्योंकि ऐसे कई उल्का हमारी पृथ्वी से आसपास से निकलते रहते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी के आसपास से ऐसे कई सारे उल्का गुजरते रहते हैं लेकिन हमारी पृथ्वी से टकराते नहीं हैं। वैसे ही हो सकता है कि यह छोटा तारा भी हमारी पृथ्वी के सामने से गुजर के निकल जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। वैसे ऐसा आज तक ना ही हुआ है और ना ही हमारे ख्याल से मानव सभ्यता जब तक है ऐसा होगा। कई साल पहले जब डायनासोर्स का विनाश हुआ था तो यही उल्का उनके विनाश का कारण बना था। वैसे ही ऐसे कई सारे उल्का अभी तक हमारी पृथ्वी के सामने से गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी को आज तक कोई भी कुछ नहीं कर पाया और ना ही कर पाए। तो फिर अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कई सारे उल्का हमारी पृथ्वी के आसपास से गुजरते रहते हैं लेकिन वो पृथ्वी के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे कई सारे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल के अंदर भरे हुए हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना सब्सक्राइब करने के साथ ही, क्योंकि हम ऐसे और भी कई सारे वीडियोस डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके तक ही पहुँचेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।